इस बार आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है। इसी के चलते देश की झंडा संहिता यानी नेशनल फ्लैग कोड में बदलाव भी किया गया है। इस बदलाव के बाद अब तिरंगा दिन और रात दोनों समय फहराए जाने की अनुमति होगी। साथ ही अब पॉलिएस्टर और मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज को भी फहराया जा सकता है। जानते हैं क्या है फ्लैग कोड और तिरंगा फहराने से पहले किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देश में राष्ट्र ध्वज को फहराने से जुड़े कुछ नियम हैं, जिन्हें नेशनल फ्लैग कोड कहा जाता है। इसे 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया था। यदि इन नियमों के अनुसार तिरंगा नहीं फहराया जाता है, तो आप पर कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। अब जानते हैं क्या है वो बातें जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। पहली बात है कि झंडे को ऐसी जगह लगाया जाए जहां से वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे। नंबर टू, झंडे का प्रयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता। झंडे का प्रयोग किसी वर्दी या पोशाक के रूप में भी नहीं किया जाएगा। झंडे को रुमाल, तकिए या किसी अन्य ड्रेस पर भी नहीं छापा जा सकता है। झंडे का प्रयोग किसी भवन में पर्दा लगाने के लिए भी नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार का विज्ञापन, अधिसूचना, अभिलेख ध्वज पर नहीं लिखा जाना चाहिए। झंडे को वाहन, रेलगाड़ी, नाव, वायुयान आदि की छत इत्यादि को ढकने के काम में भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। किसी दूसरे झंडे को भारतीय झंडे के बराबर ऊंचाई या उससे ऊपर नहीं फहराया जाना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।